जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो आज इस वीडियो में सिखाएंगे कि नेक्स्ट पार्ट हमारे वीडियो का रहने वाला है। तो आप सभी वीडियो को देखना जिससे कि आपकी जो हैंडराइटिंग से प्रॉपर इम्प्रूव हो जाएगी। और आज हम सीखेंगे के से आगे अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं हम सभी यहाँ पे टोटली इस कैपिटल, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे के, हमने पिछले वीडियो में सीखा था ए से के तक, उसके बाद हम जाते हैं के बाद एल, एल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो L स्टाइलिस्ट में हमें देखना है, तो सिंपल आप L कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ठीक है। L जैसे कि यहाँ पे लिखते हो आप A B C D E F G H, ठीक है। बट लेकिन हम यहाँ पे कैसे जा रहे हैं, जैसे कि I J K L M N O P Q R S T, ठीक है। तो ये जस्ट क्या हो गया, ओनली सिंपल राइटिंग में हो गया। बट लेकिन आपको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए अच्छी आई राइटिंग आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पे L, सिंपल आप इस तरह से L लगाते हो, बट लेकिन यहाँ पे L, ठीक है, इस तरह से आपका L हो गया। उसके बाद आपका L ऐसे भी ले सकते हैं, L, ठीक है। तो कैसे आप इम्प्रूव करना है आपको, तो इम्प्रूव करने के लिए L, जैसे आप ऐसे एल, ठीक है। ये आपको कम करना है, सिंपल ऐसे हल्का सा लेना है और ऐसे मोड़ देना है एल। उसके बाद आपको जाना है एम, तो एम पे जाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, एम, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एम, देखिए हमें दोनों तरीके से बना दिया है, तो आप दोनों में से ही कोई सा यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल इसको ऐसे वापसी मोड़ दिया है, उसके बाद ऐसे टच करके ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल ऐसे करके इसको ऐसे टर्न करके वापसी ऐसे यूज कर सकते हो। तो आपको जैसे इम्प्रूव करने के लिए जस्ट दोनों में से ही यूज कर सकते हो, ऐसे इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें आपको देखना है कि आपको किस तरह से आपको लिखना है एम, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं एन के ऊपर, तो एन के लिए सिंपल आपको सिंपल ऐसे को उठाना है और एन के लिए ऐसे उठा देना है, ठीक है। इस तरह से आप जा सकते हो, उसके बाद आप ऐसे भी जा सकते हो आप एन, ठीक है। तो एन आप किसी भी स्टाइलिस्ट में आप यहां पे एन में जा सकते हो। उसके बाद एन के बाद आपका ओ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप हल्का सा जाने के बाद आपको ऐसे भी ले सकते हो आप ओ, ठीक है। तो ओ हमें ऐसे बनाएंगे, हल्का सा इसको ऐसे टच करके ऐसे भी लिख सकते हो आप ऐसे ओ। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पी, पी के लिए आप देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको पी, और सिंपल आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं पी, पी, ठीक है। तो आप हमें यहाँ पे कौन सा लिखना है, तो इस तरह से आप कोई सा भी इसमें से कौन से यूज कर सकते हो। जैसे कि स्टाइलिस्ट के लिए आप हमेशा पी ऐसे, ठीक है, पी। उसके बाद आप लिखेंगे जैसे क्यू, क्यू तो आप सिंपल बना सकते हैं यहां पे क्यों, ठीक है। तो स्टाइलिश में आपकी सिंपल सा क्यों में आप ऐसे ही लिख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आर, आर के लिए सिंपल आप ऐसे ही जा सकते हो आप आर, या फिर आप ऐसे, ठीक है, आर के लिए आप सिंपल यहाँ पे आर के लिए आर, आर के लिए आप यहाँ पे इस तरह से जा सकते हो आप, प्रैक्टिस। जस्ट ओनली आपको प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करना है कि आपको किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए, ठीक है। आर जस्ट यहाँ पे तो अभी प्रैक्टिस के लिए हम क्या लिख रहे हैं, जैसे कह राइटिंग में इनको इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आर के बाद एस, एस के लिए सिंपल आपको जाना है एस के लिए ऐसे
ठीक है, जस्ट ओनली ऐसे। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, सिंपल आपको इस तरह से जाना है आपको। और निब को कैसे पकड़ना है, काफी क्या करते हैं, बिल्कुल पास से निब पकड़ते हैं। तो पास से निब करने से क्या होगा, आपको सिंपल हैंड राइटिंग में बिल्कुल दाब ज़्यादा पड़ती है उसमें, अंगूठे पर ज़्यादा दाब होती है। तो सिंपल आपको थोड़ा हल्का सा उठा के रखना है, आपको पेन धागा हल्के से उठा के रखने हैं, इसे आपको हल्के हाथ से आप लिख सकते हो इसमें। इसमें क्या होता है, जेल पेन यूज़ करने से, जैसे कि ये जेल पेन है और इसकी जो निब है वो काफ़ी मोटी भी है, और जैसे कि आप इसमें लिखेंगे, राइटिंग लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, इसमें स्मूथनेस चलेगा, आपका पेन बिल्कुल हल्का सा चलता है इसमें। तो काफ़ी यूज़ करते, जैसे बॉल पेन यूज़ करते हैं, तो बॉल पेन यूज़ करने के अंदर उसमें ताकत ज़्यादा लगती है और लिखाई भी नहीं आती है। उसके बाद जैसे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है, उसके बाद आप कोई सा पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कॉपी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हम पे लिखेंगे टी, ठीक है, तो टी तो टी भी आपको सिंपल इस तरह से आपको लिख देना है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूं यहां पे टी। तो टी एंड जे में क्या डिफरेंस है, जे सिंपल यहां पे आने के बाद आपको मुड़ जाता है, और टी में आपका सिंपल ऐसे ऐसे हल्का सा टर्न हो जाता है, ठीक है। सिंपल आपको ऐसे इस तरह लिखना है, उसको आपको ऐसे इम्प्रूव करते हैं, बस हल्का सा टर्न करना है इसको, हल्का सा आपको यू करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यू, तो यू के लिए सिंपल आपको यू, ठीक है, तो यू के लिए आपको सिंपल यू। उसे हम जाएंगे वी के अंदर, तो वी के लिए सिंपल आपको क्या करना है, वी का हल्का सा टर्न मोड़ देना है इसको, तो वी, ठीक है। तो वी हम यहां पे ऐसे सीखेंगे, तो काफी पूरा हमको ऊपर तक नहीं ले जाना है, सिंपल हल्का सा नीचे हिला के ऐसे मोड़ देना है इसको। उसके बाद हम सीखेंगे हम डब्लू, ठीक है, तो डब्लू के लिए आप सिंपल ऐसे भी जा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो डब्लू के लिए आप जैसे कि ये वाला हो गया, सेकंड, थर्ड, तो इम्प्रूव करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आपको किस तरह से आप इसमें जा सकते हैं डब्लू के लिए, ठीक है। कौन सा राइटिंग आपको किस लिखनी है, उसके बाद आपको नेट से भी आप देख सकते हैं कि आपको कैपिटल किस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किसको जोड़ के आपको कैसे लिखना है, ठीक है, डब्लू, ठीक है। डब्लू को मैं एक बार और प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करा देता हूँ डब्लू के लिए। तो डब्लू के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे दो बार टर्न कर दिया है, ठीक है, दो बार टर्न करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे ऐसे गए, ठीक है। तो W आपको क्या है, किस तरह से इम्प्रूव हो चुका है, कितनी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो आप W को, जैसे यहाँ पे दोबारा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ W, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया जैसे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे X, ठीक है, X, ठीक है, ये सिंपल हो जाता है, ये एंड स्टाइलिश में आ जाता है। तो एक्स के लिए आपको सिंपल आपको ऐसे कर देना है, क्लियर इस एक्स।
उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वाई। वाई के लिए सिंपल आपको क्या लिखना है, इस तरह से ठीक है। वाई वाई को ऐसे लिखना है आपको, सिंपल आपको क्या करना है, वाई के लिए ऐसे हल्का सा इसको टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद आपको इस तरह से उठाना है। अगर आप साथ के साथ, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर साथ के साथ पीछे पीछे आप कॉपी पेन लेके आप इसको बनाएंगे तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो होती है आपकी एक प्रैक्टिस ठीक है। जैसे कि आपको मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे वाई, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी में लिखेंगे, देखो वाई। जेड, तो जेड के लिए सिंपल ठीक है। तो जेड के लिए यहां पे आप तीन तरीके से यूज कर सकते हो, ये एंड आपका ठीक है। तो बट ये क्या जा रहा है आपका, फोर लाइन में जा रहा है बट, लेकिन आपको क्या यूज़ करना है, इस तरह से इस 40 में आपको यहाँ पे जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे भी जा सकते हो ठीक है। जैसे आपको बता देता हूँ अभी आपको, जेड जेड ये ठीक है। तो सबसे अब आपको मुझे कमेंट करके बताना आप कौन सा लिखना चाहते हैं इसमें, कौन सा आप लिख सकते हैं आप इसमें से, जेड ठीक है। तो जेड आप यहाँ पे इस तरह से जा सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से लिखने में, ये आपको लिखने में इससे ऐसे जा सकते हैं आप जेड में ठीक है। और स्टाइलिश वाले में आप इस तरह से ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे स्मॉल ए बी सी डी ठीक है।